सो ये है अपना दूसरा व्लॉग होटल मैनेजमेंट सीरीज़ का, जो अगर अपने लास्ट व्लॉग देखा रहेगा जो मैंने बनाया था अपने फ्यूचर होटल्स के लिए, तो इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। अभी इसके आगे आपको देखने मिलने वाला रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जो मेजर चार डिपार्टमेंट रहते हैं अपने होटल मैनेजमेंट सेक्शन के। तो इसके ऊपर मैंने सारे वीडियो बनाए। बेसिक नॉलेज जो रहता है, जब कोई बंदा होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेता है तो उसको क्या सिखाया जाएगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल द्वारा बताया गया है। रेस्टोरेंट वाला वीडियो देखने वाले हो, उसमें जो प्रैक्टिकल्स लिए गए वो फर्स्ट ईयर के बेसिस के ऊपर लेके गए। ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ आपको तीन सालों में कंटिन्यू सेम सिखाई जाती है, हर एक ईयर का अलग अलग पोर्शन रहता है, तो इसके हिसाब से आपको सिखाया जाता है। और जैसे आप ग्रेड ऊपर जाते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर का अलग सेक्शन रहता है, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स अलग होते हैं, थर्ड ईयर के और एडवांस होते जाते हैं। तो बस आपको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, क्योंकि आप अभी एंटर करोगे होटल मैनेजमेंट में, तो आपको ये समझने के लिए एकदम बेसिक लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें जो है अभी आप देखने वाले वीडियो में वो समझाई गई है। तो आज का वीडियो रेस्टोरेंट के ऊपर है, चारों मेजर डिपार्टमेंट है वो मैंने इस होटल मैनेजमेंट के सीरीज़ में कवर अप की है। तो ये वीडियो जो है वो पूरा इंग्लिश में है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कॉलेज में इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है, हिंदी में प्रैक्टिकल सिखाए नहीं जाते। सो डू वॉच दिस वीडियो गाइस, अगर आप फ्यूचर होटेलियर हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सो जस्ट एन्जॉय दिस वीडियो गाइस, और अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो बस देखो और समझो कि क्या चल रहा है इस वीडियो में। सो डू वॉच दिस गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले रेस्टोरेंट, यहाँ पे होता था हम लोग का रेस्टोरेंट और आज भी होते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते, तो ये एडवांस ट्रेनिंग रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हम लोग के प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे और अभी भी होते हैं। सो ये सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे छोटा सा बार भी है पीछे। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द नैपकिन फोल्ड्स। ओके, आई थिंक सो यू गाइस मस्ट हैव गॉन टू द नैपकिन फोल्ड, ओके, व्हेन यू गाइस आर इन द फर्स्ट ईयर। सो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू ए napkin fold, which is said to be as a fan. First, take a napkin, make sure the stitches which have been done should be go inside. Fold it into a half, okay? Then, on one side you start folding your napkin. It should be the other way. One is top, others goes down, then again top, again down, top, again down, like this. Till the time you reaches at least this much end has to be left. Okay, when you fold your napkin like this, this goes inside and your hand fold is ready. I expect you guys to do now. Okay, we are going to learn about the a la carte setup or how we need to do the setup and what comes in the setup. Okay, the first of all, if you look at the tables, I will tell you what exactly which side the which cutlery has to be laid. Okay, if you look at the covers, your right hand side you have the spoon, which is said to be as a all-purpose spoon, and on your left hand side it comes in the fork, that is your all-purpose fork. Okay, on the top of the AP fork, the AP spoon, it always has the water goblet. Okay, now whenever you guys lay the covers for the a la carte, okay, the always remember the beverages goes from your which side? Feel out enough. Okay, it goes from the right hand side. And the food is from the left hand side. Okay? So before the food arrives, you need to place the plate. Okay? So how you are going to place the plate, I will show it to you all. Whenever you guys place the plate on the cover, make sure you hold it with the serviette, your napkin. Okay? Go from the left hand side. Okay? And place the plate at the top of the cup. Why do we use the napkin? The fingerprint should not come on the plate. Okay, make sure you do not place it at the edge of the table. Okay, it should be quite inside. Okay, यहाँ पे fork रहेगा, spoon एंड ग्लास। ग्लास के बाद में जो आते हैं वो वाइन ग्लासेस रहते हैं, लेकिन ये बेसिक सेटअप है तो इसलिए मैंने सिर्फ इतने दिखाया। और ऊपर जो सर ने दिखाया था नैपकिन सेटअप, वो प्लेट के ऊपर आता है। What do you mean by plated service? Okay, when it comes to the American service, most of the time the food is been already pre-plated in the plates itself. Okay, it has been plated. How we do not serve the food to the guests, but it has been already pre-plated in the plates itself. Okay, we just need to pick up the plate. That is, at a time you are not allowed to pick up not more than 3 plates. That is 1, 2, and 3. I am picking up it. Okay, when you go to the guest,
go from the which side? Right hand side. Place the plate, announce the dish and place the plate to the guest. Okay? Once the first plate has been placed, you go to the second, then you place for the second and then goes to the another one. That's how the pre-plated service takes. Today we are going to learn about the wine service. Okay, when it comes for the wine service, there are three different types of wine which you guys will come across. One is your red, which I am holding the bottle. Second one is your white and third is your sparkling wine. Okay, when it comes to the red, okay, what are the different parts of the bottle? First I will answer. What is this called? Bottle. This? Bottle. This is your name. And the top one is your ring. Okay. Pond is used for what? Holding the bottle. Okay. The very first thing is, whenever the guest orders the wine or bottle, go from the right hand side of the guest, introduce the bottle. Introducing the bottle means you need to tell the name, the grape variety and which year it has been introduced, which year it has been bottled. If you look at the wine bottle, okay, it do has the year. Each and every wine bottle do has a different years. Okay, it do has the grape variety, which grape variety has been used into that, and it do has the name. Okay, so make sure you introduce that to the guest from the right hand side. Once the guest says yes, then you open the bottle. Okay, it might be in the form of a foil, or sorry, it might be a form of this type of a opening, or it might be in the form of a cork. Okay, which you will require a wine opener. Okay, hold the bottle, always it should be, the label should be facing towards the guest. Okay, hold the bottle like this from the right hand side. This hand, either you keep it behind or I'll prefer to keep it over here, so that in case of any spill, make sure it's easy for you to wipe the rim. Okay, keeping your right leg in front. Okay, slowly over around 5 to 10 for the tasting process. Okay, once you pour for the tasting, you hold the bottle, let the guest taste the wine. Once he approves, the same thing has to be followed to the other guest. अगर आप मेरे इस काम को appreciate करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्यूचर होटेलियर्स और होटल मैनेजमेंट वाले दोस्तों के साथ ये वीडियो सारे शेयर जरूर करना।